नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जब भ्रष्टाचार और लापरवाही की दलदल में कोई जिंदगी फंसती है तो वो विष्णु तिवारी बन जाती है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर के महरौनी जो थाना क्षेत्र है उसके सिलावन गांव के निवासी विष्णु तिवारी हैं। उम्र इनकी लगभग अब 47 साल हो चुकी है। जान करके और सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि 20 साल तक उन्होंने उस जुर्म की सजा भुगती है जिसको उन्होंने किया ही नहीं था। क्या हुआ था इनके साथ? वाकया साल 2000 का है, जब ये खेत में पशु चराने के लिए गए थे। किसी बात को लेकर के गांव के ही व्यक्ति से खेत में कहा सुनी हो गई। उस व्यक्ति ने दुष्कर्म और SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की कोशिश की। चूंकि मामला झूठा था इसलिए 3 दिनों तक ये मामला दर्ज नहीं हुआ। बाद में कहते हैं कि उस समय के CO और कोतवाल के दबाव में ये मामला दर्ज हो गया। कुछ दिनों तक ये भागे भागे इधर उधर फिरे और अंततः गिरफ्तार होकर के जेल पहुंच गए। जब तक इनके पिता राम सेवक जीवित रहे वो पैरवी करते रहे और जमानत पे छुड़ाने के लिए अपना घर और खेत बेच दिया। लेकिन इसी बीच पिता को फालिस मार गया और 2013 में उनका निधन हो गया। 2014 में बेटे के वियोग में माँ चल बसी। 5 भाइयों में चौथे नंबर के विष्णु तिवारी का अब कोई पैरवी करने वाला भी नहीं रहा। 2005 से इनसे जेल में कोई मिलने के लिए भी नहीं आया। 3 साल तक ये ललितपुर जेल में रहे और इसके बाद आगरा के सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिए गए। ये बात जोते रहे, कोई तो उनकी खोज खबर लेगा, लेकिन 2005 से कोई मिलने आया ही नहीं। 2017 में छोटा भाई महादेव जब मिलने के लिए इनसे पहुंचा तब उसने बताया कि माँ और पिता दोनों नहीं रहे, 2 बड़े भाई राम किशोर और दिनेश भी चल बसे। अब 2 भाइयों का ही जो परिवार है या 2 भाई जो बचे हैं वो हैं और ये हैं। फिर भी घर की अब माली हालत ऐसी नहीं थी कि कोई खोज खबर लेता। अब सुनिए, जब ये छूटे तो कैसे पहुंचे घर? हरिजन एक्ट का हिसाब से पैसा का मिलने का हिसाब था, इसलिए उन्होंने केस बनवा दिया और इसलिए 376 बनवा दी। अब भगवान की कृपा रही माता रानी की कि उनने हमें साबित झूठा करा। हो सकता था वहीं मर जाते, लेकिन जो जेल आके झूठ साबित होना था और आप लोगों को सबको हमें मिलना था तो हम वापसी माता रानी में भेजा। गांव वाले स्वागत के लिए आंखें बिछाए हुए थे। ट्रेन से जब ये उतरे घर पहुंचे तो इनका स्वागत किया गया। फिर ये इन्हीं से इनकी दर्द भरी दास्ता सुनिए। हरिजन एक्ट का हिसाब से पैसा का मिलने का हिसाब था, इसलिए उनने केस बनवा दिया और इसलिए 376 बनवा दी। अब भगवान की कृपा रही माता रानी की कि उनने हमें साबित झूठा करा। हो सकता था वहीं मर जाते, लेकिन जो जेल आके झूठ साबित होना था और आप लोगों को सबको हमें मिलना था तो हम वापसी। और अब हम बताते हैं कि कैसे छूटे। दरअसल हुआ ये कि जो एक विधिक सेवा समिति होती है वो जेल में ऐसे लोगों को मदद करती है जिनके पास कोई पैरोकार नहीं होता है, कोई वकील नहीं होता है। तो उसी सेवा से कोई वकील इनके पास पहुंचता है। फिर इन्होंने अपना पूरा केस बताया कि जिस समय की ये घटना है, इनकी उम्र 17 साल की थी, इन्होंने किसी से कोई दुष्कर्म नहीं किया, किसी से कोई गाली गलौज नहीं की और ऐसे ऐसे उनके साथ हो गया। फिर उसने वकील ने हाई कोर्ट में रिट लगाई और पूरी बात रखी कि वो जुर्म जो इन्होंने किया नहीं है उसकी सजा ये भुगत रहे हैं। दोनों जुर्म SC ST एक्ट में और दुष्कर्म में अलग अलग इनकी सजा हुई थी। फिर जो है हाई कोर्ट से इन्हें छोड़ने का आदेश मिला और इनको छोड़ दिया गया। परिवार वालों को किसी तरीके से पता चल गया था, इन्होंने बता दिया था। फिर जेल से ये छूटे, आगरा जेल से ट्रेन पकड़े और फिर ललितपुर पहुँचे। वहाँ स्टेशन पे घर के लोग मिले, फिर ये अपने गांव पहुँचे और फिर इन्होंने खुली हवा में सांस ली। लेकिन घर पहुँचे तो इनकी दुश्वारियाँ कम नहीं हुई। खेत बिक गया है, रहने के लिए जगह नहीं है क्योंकि जिस घर में ये रहते थे वो खंडहर हो चुका है और 2 भाइयों का परिवार भी है, रहे तो कहाँ रहें। अब योगी सरकार से इन्हें उम्मीद है कि शायद कोई मदद मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद मिले, छत मिले,
तब तो ये रोजी रोटी का कुछ जुगाड़ करे। उम्र भी 47 साल हो चुकी है। अंदाजा लगाइए कैसी व्यवस्था है, कैसा सिस्टम है, कैसा भ्रष्टाचार है, कैसा दबाव है, कैसी लापरवाही है कि जो जुर्म इन्होंने किया नहीं उसके लिए 20 साल तक सजा भुगती। और अब बताते बताते ये फफक पड़ते हैं कि यदि अब भी इन्हें जेल से मुक्ति नहीं मिलती तो इन्होंने सोच लिया था कि आत्महत्या कर लूँगा। अच्छा हुआ जो जेल से मुक्ति मिल गई, आत्महत्या करने की नौबत नहीं आई। इस विष्णु तिवारी को तो न्याय मिल गया। न्याय क्या मिला, मतलब किसी तरीके से जेल से मुक्ति मिल गई, लेकिन न जाने कितनी जिंदगियां जेल में सड़ रही हैं। काश उन्हें भी कोई मदद मिलती। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।